जीएसटी को लेकर संसद में आम राय बन गई है, लेकिन बाजार और जनता को जीएसटी पर संशय था। अब जीएसटी पर सदन में बहस हो रही थी तो नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के हरेक सच को सदन के माध्यम से बताया कि कैसे जीएसटी टीम इंडिया का एक बड़ा कदम है जिससे देश में पारदर्शिता आएगी और बाजार का विस्तार होगा। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। और इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये हम सबका सपना है और एक भारत जब हम रेलवे की तरफ देखते हैं, एक भारत की अनुभूति आती है। जब हमारे डाकखाने देखते हैं, एक भारत की अनुभूति आती है। जब हमारे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को देखते हैं, एक भारत की हमें महक आती है। हम आईपीसी सीआरपीसी की तरफ नज़र करते हैं तो एक भारत की हमें पहचान मिलती है। जब आज हम भारत नेट की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सागर माला की बात करते हैं, ये सारे उपक्रम एक भारत इस भाव को बल देते हैं, ताकत देते हैं। और उसी सिलसिले में आज जीएसटी वो एक नया मोती इस माला में हम परो रहे हैं जो एक भारत के भाव को ताकत देता है। ये सिर्फ कर व्यवस्था नहीं है, सब राज्य और केंद्र मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिसमें छोटा सा छोटा राज्य हो या बड़ा सा बड़ा राज्य हो, सबको ये व्यवस्था अपनी लगे। ये एक भारत को ताकत देने वाली बात है और उस अर्थ में मैं इसका बड़ा महत्व समझता हूँ। कभी कभी जीएसटी को लेकर के संशय भी रहे। मैं जब मुख्यमंत्री था, मेरे मन में भी बहुत संशय थे। प्रणब मुखर्जी साहब से मैंने कई बार उस पर विचार विमर्श भी किया था। और आज जीएसटी को एक मुख्यमंत्री के नज़र से देखने के कारण प्रधानमंत्री बनने के बाद उन मुद्दों को एड्रेस करना मेरे लिए सरल रहा, वो अनुभव मुझे काम आया। और उसके कारण उस समय राज्यों की जिन बातों को हम एड्रेस नहीं कर पाते थे, कुछ बातें उजागर नहीं हो पा रही थी, कुछ बातें ओझल हो जाती थी, वे सारी बातें इतने लंबे काल के मंथन के कारण, और उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान ऐसा नहीं, सबका योगदान है, बहुत कमियों को दूर करने में हम सफल हुए हैं। और यह सामूहिक मंथन का नतीजा है। फिर भी ये सत्य है कि हम परफेक्ट ही हो सकते हैं, कुछ कमी नहीं रह सकती है, आगे चलकर के कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा गुरूर कम से कम इंसान तो नहीं कर सकता है। और इसलिए इतने सारे ब्रेन इन्होंने कसरत की है, कोशिश की है, अच्छा करने का प्रयास किया है और उस प्रयास का परिणाम भी मिलेगा। और आज देश अनुभव कर रहा है कि एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल, ये मंत्र आज जीएसटी के इस सारी प्रोसेस में हम सबने अनुभव किया है।
और इसलिए ये बात सही है कि राज्यसभा में अंक गणित में तो ये बिल संकट में आ सकता था। यह भी सही है कि राज्यों को केंद्र के प्रति अविश्वास का माहौल था, अपने अपने अनुभवों के कारण था, और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि राज्यों के में और केंद्र के बीच एक विश्वास पैदा हो। सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि ये बात बहुमत के आधार पर निर्णय न हो। हम कतई नहीं चाहते थे, और मैंने पहले भी इसी सदन में कहा है कि लोकतंत्र ये सिर्फ बहुमत के अंक का खेल नहीं हो सकता है, ये सहमति की यात्रा है, सहमति की यात्रा है, और सहमति की यात्रा से आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे। आज हमारे मौली साहब को एक बात का बहुत बुरा लगा कि इस हाउस को जूनियर हाउस कहा जाता है। जो लोग इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं उन लोगों को आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा। वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे तो कहना कठिन है, लेकिन पहुंचेगा। लेकिन जब मैंने विचार विमर्श के लिए आदरणीय सोनिया जी को बुलाया था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बुलाया था, एक लोकसभा से थे, एक राज्यसभा से थे, मैंने दोनों को बराबरी का महत्व देते हुए जीएसटी को लेकर के विचार विमर्श किया था। और इसलिए हमारी ये कोशिश रही है, सबके सुझावों को स्वीकार करने का प्रयास किया गया है। हम जानते हैं कि एक अभूतपूर्व सहमति का माहौल पैदा हुआ है, और इसमें से एक शक्ति पैदा होती है, जो शक्ति राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी अमानत होती है। हम सब अलग अलग राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए हैं, राजनीति हम लोगों के जहन में है, और हमारी बातों में कहीं न कहीं वो आ जाना भी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे जीएसटी की चर्चा में हमने देखा कि पवित्र स्थान हम में से किसी ने इसको राजनीति का मंच नहीं बनने दिया, ये राष्ट्रीय मंच बना, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मान दिया। ये भारत के लोकतंत्र के उज्जवल पहलुओं में से एक है। राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है, इस बात को हम सब ने मिलकर के, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रस्ताव हुआ है उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं होगी, और जरूरी नहीं कि वहीं शिकायत होगी, यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनको लगता होगा साहब इसके बजाय ऐसा होता तो अच्छा होता, फुल स्टॉप यहां के बजाय कौमा यहां होता तो अच्छा होता, ये रहना ही रहना है, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। इस जीएसटी की व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी सरलताओं की संभावनाएं हम देख रहे हैं। आज हम जानते हैं हर राज्य में अलग अलग भांति के फॉर्म भरना, ये भरना, इतना बड़ा लंबी प्रोसेस होती है, और सरकारी अफसरों का भी उन कागजों को करने में अभी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इसमें टैक्स सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग के अंदर, टैक्स के रेट के अंदर, और इसका एक सीधा परिणाम होने वाला है, एक मैसेज बहुत क्लियर जाने वाला है, कंज्यूमर इज अ किंग। जीएसटी की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि इससे साफ मैसेज जाने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज ए किंग, और एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाए,